मॉम ये क्या किया आपने? तारा और तैमूर की एंगेजमेंट क्यों होने दी है? मैं क्या करती जुनेद, तुम्हें तुम्हारे डैड का नहीं पता? तुम्हारी और जरी की शादी कैसी सिचुएशन क्रिएट की थी उन्होंने। आई नो, पूरी प्लानिंग से गए थे, लेकिन जरी को आपने वहां क्यों छोड़ दिया? सूरत हाल ही ऐसी बन गई थी, और फिर हमें नैना के घर भी तो जाना था ना। हाँ, फिर तो आपने ठीक ही किया, कम से कम इस बहाने डैड ने नैना को इस घर में आने की इजाजत तो दे दी। हैरत इस बात की कि जरी ने खुद सज्जाद को प्रेशराइज किया, नैना को यहाँ आने की इजाजत दे दी। खत्म हो गई उसकी मोहब्बत, जायदाद की मालकिन बन गई है ना, जागीरदानी। अब उससे मेरी जरूरत नहीं है। लेकिन जुनेद, माइंड इट, कभी सरी को तलाक नहीं देना। उसके पास जो कुछ भी है ना, उस पर तुम्हारा हक है। ठीक है, अगर सज्जाद ने तैमूर को तारा से मांगने की इजाजत दी है, तो मैं भी तुम्हें इजाजत देती हूँ। जब दिल चाहे नैना से निकाह करके उसे घर ले आना। I'll do that. तारा, इस हद से तो लग रहा है कि तुम्हारी अम्मी और जिब्रान अंकल की कभी शादी नहीं हुई। सरीब, यही बात तो मुझे बहुत परेशान कर रही है। आखिर हूँ कौन? तारा, ये खत तुम्हें कहाँ से मिला? पापा की अलमारी से। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस खत को पढ़कर लग रहा है कि तुम्हारी अम्मी जुल्म का शिकार हुई थी और उन्हें जबरदस्ती जिब्रान अंकल से दूर किया गया था। अगर ऐसा है तो तुम, मैं कौन हूँ जरी? और वो क्या बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन मेरा और कौन पराया। तारा प्लीज परेशान ना हो, हम कल सुबह हमारे अहमद के पास जाएंगे ना, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। जरी, अगर हकीकत बहुत भयानक हुई तो मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे। तारा प्लीज परेशान मत हो, सब अच्छा होगा। इस खत को संभाल लो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, फिक्र मत करो।